नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। तो डियर, हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बहुत सारे एचटीएमएल का प्रोग्राम बनाया, आज मैं आपके सामने एक नया टाइप का एचटीएमएल प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इमेज को एक ऐसे इंसर्ट करना है। तो डियर, हम बात करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है आईएमजी टैग। आज हम लोग आईएमजी टैग को कैसे सीखेंगे, कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, आइए डियर बात करते हैं। अपने नोटपैड को सबसे पहले ओपन करते हैं और यहाँ पे किस प्रकार की कोडिंग करना है वो कोडिंग को हम यहाँ पे आपके सामने लिख कर दिखाते हैं। और आज हम लोग अपने वेब पेज में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो डियर, मैंने आपके बाद आपसे मैंने ये बताया इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले एचटीएमएल में हमको जाना है, एचटीएमएल कोडिंग करना है और एचटीएमएल सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी ओपन करते ही हमको आपको पता है कि इमेज इंसर्ट करना, तो हमारे पास एक टैग होता है आईएमजी टैग। IMG का मतलब होता है कि यहाँ पे हमको इमेज को इंसर्ट करना है, हमने IMG टैग यहाँ पे लगा दिया। IMG SRC आपको पता है कि लोकेशन बताने के लिए करता है, यहाँ पे हमने लिख दिया SRC। IMG SRC का मतलब होता है यहाँ पे आपको जिस चीज को डिफाइन करना है वो आपको क्या करना है, अपने फाइल का नाम रखना है, यानी पिक्चर का नाम रखना है। सपोज दैट हमको स्माइली नाम का क्या करना है, इमेज लगाना है। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया ढेर, स्माइली हमने क्या डिफाइन कर दिया, स्माइली नाम का यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया भाई, स्माइली हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, स्माइली हमारे सामने आ गया क्योंकि मुझे पिक्चर यही लगाना है। हमने स्माइली .gif, इसका एक्सटेंशन नेम क्या लगाएंगे, .gif लगा देंगे। स्माइली नाम का .gif हो गया आपके सामने। ओके, .gif यहाँ लिखते ही तुरंत इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इसका जो फेस होगा क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे, ALT इज इक्वल टू इसका जो फेस है स्माइली फेस हो जाए। ठीक है, स्माइली फेस हो जाए, बिल्कुल स्माइली। चलो स्माइली हमने फेस यहाँ पे कर दिया, ठीक है स्माइली कर दिया यहाँ पे। इसकी हम विड्थ को भी रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर दो, हमने यहाँ पे विड्थ को डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ विड्थ को डिफाइन कर दिया। विड्थ यहाँ पे हमने कितना रख दिया, सपोज दैट 42 रख दिया, कितना रख दिया 42। चलो हमारा विड्थ डिफाइन हो गया। हाइट को भी डिफाइन कर सकते हो, हाइट इज इक्वल टू बराबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 42। ओके, हमने हाइट को भी डिफाइन कर दिया। चलिए अब क्या करना है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद कर दो, हमने बॉडी को बंद कर दिया, एचटीएमएल बंद कर दिया। ओके, तो डियर इस तरीके से हम लोग इमेज लगाने के लिए आईएमजी टैग को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और आईएमजी टैग पर डिफाइन करने के बाद फाइल को सेव कर लेंगे। और जैसे हमारी फाइल सेव हुई उससे हम क्या करेंगे, सेव यहाँ पे कर लेंगे। किस नाम से सेव करना है, मान लो रवि नाम से सेव करना है, हमने यहाँ पे रवि डॉट या राज डॉट एचटीएमएल कर दो। ओके, फाइल हमने सेव कर लिया, आइए रास नाम की फाइल को देख लेते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। ओके,
फाइल डॉट एचटीएमएल। ये देखिए इस तरीके से आपका आईएमजी यहाँ पे ओपन हो गया, और इस तरीके से स्माइली नाम के हमने यहाँ पे फेस दिया। स्माइली आपका देखिए इमेज है नहीं आपके सिस्टम में, इसलिए उसके जगह पे क्या दिया है, स्माइली का स्पेस दे दिया है, यानी स्माइली नाम की इमेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए स्माइली आपकी इमेज इंसर्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, इससे हम अगर कोई भी हाँ जिस इमेज को आपको इंसर्ट करना वो इमेज आपके सिस्टम में जरूर होना चाहिए। ओके डियर, समझ में आ गया। चलिए